हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, सो इन प्रीवियस वीडियो हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देख लिया था और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी देख लिया था, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, जो नीट के बच्चों के लिए भी सही है और जो इलेवेंथ कर रहे हैं इलेवेंथ के बच्चों के लिए भी है। तो हम पहले ये देखते हैं कि नॉर्मल फीचर्स इसमें क्या है किडनी के। तो सबसे पहले तो देखो, शेप आपको पता है क्या है, बीन शेप दिख रहा है, ठीक है। एंड देन कलर रेडिश ब्राउन। अब यहां पर लेंथ है, विड्थ है और थिकनेस है। इसको याद करने का तरीका क्या रहेगा? इसको याद करने का तरीका बहुत इजी है, 2, 3, 5, 7, 10, 12, ठीक है। अब देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जो सबसे ज्यादा होगा वो लेंथ हो गया, जो थोड़ा कम हुआ वो विड्थ हो गया, और जो सबसे कम है वो क्या हो गई, इसकी थिकनेस हो गई। तो इतना याद हो गया आपको। इसके बाद मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई थी। लोकेशन में मैंने आपको बोल दिया था कि T12 और L3 के बीच में लोकेट करती है किडनी। और आपको साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट्रो पेरिटोनियल। रेट्रो मतलब मैंने क्या बताया था आपको, पीछे, किसके पीछे, पेराइटल पेरिटोनियम लेयर के पीछे। इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, रेट्रो पेरिटोनियल अरेंजमेंट। ओके, सो इसके बाद हमने देखा पैसेज ऑफ यूरिन। बेटा देखो, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि ये यहां पर तो हो गया ग्लोमेरुलस, ये हो गया बूमेंस कैप्सूल, एंड देन हेनलीज लूप इसमें जाता है, हेनलीज लूप इसमें गया, डीसीटी ऊपर गया, कलेक्टिंग डक्ट नीचे आया। तो बेटा जब तक फिल्ट्रेट, हम फिल्ट्रेट कब तक बोलेंगे, जब तक यहां पर रहेगा। जैसे ही ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आता है, हम तभी उसको यूरिन बोलेंगे। आप ये नहीं बोलोगे कि पीसीटी में आया फिल्ट्रेट तो आप बोल रहे हो अच्छा पीसीटी में यूरिन आया। नहीं, पीसीटी डीसीटी यहां पर फिल्ट्रेट रहेगा, यहां पर आप फिल्ट्रेट बोलोगे। जब कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा तब आप उसको यूरिन बोलोगे। सो इसमें हमने क्या देख लिया था, पैसेज ऑफ यूरिन देख लिया था। अगर आपको याद होगा पैसेज ऑफ यूरिन, तो मैंने आपको बता दिया था कि कलेक्टिंग डक्ट, भाई यहां से देखो ये कलेक्टिंग डक्ट से गया, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन बन गया। अब इसके आगे कहां जाएगा, इसके आगे जाएगा ये डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी के बाद माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, देन ब्रॉडर रीजन जो है पेल्विस, यूरेटर, फिर जहां पर यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। तो हमने पैसेज ऑफ यूरिन तो देख लिया बेटा, अब हम देखेंगे पैसेज ऑफ ब्लड। ब्लड का पैसेज देखेंगे। देखो यहां पर याद रखो, आर्टरीज, जब आर्टरीज में ब्रेकडाउन आगे बनेंगी तो उसको आर्ट्रियोल बोलोगे, वेन्स है तो वेनियोल बोलोगे। वैसे ही आर्टरी जब किडनी में आ रही है, जब किडनी में आर्टरी आ रही है तो किडनी के लिए क्या टर्म यूज करते हैं, रीनल, तो रीनल आर्टरी हो गया। मैंने आपको बताया है हार्ट के लिए कार्डियक यूज करते हैं, किडनी के लिए रीनल यूज करते हैं, लिवर के लिए हेपेटिक यूज करते हैं। तो इस हिसाब से आपको थोड़े थोड़े से जो टर्म है वो याद रखने पड़ेंगे। अभी देखो, अब हम देखेंगे ब्लड, ब्लड का पैसेज। तो बेटा रीनल आर्टरी जो है, रीनल आर्टरी गया किसमें, ये आया एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड देन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद में इफरेंट आर्ट्रियोल। अभी यहीं पर याद करके जाओगे आप, अभी मैं आपको लर्न करा दूंगी, बहुत इजी है। देखो एफरेंट और इफरेंट में बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये ई आ रहा है ना, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, और ए अल्फाबेट पहले आता है, इसको याद रखोगे, एफरेंट आर्ट्रियोल पहले आएगा, इफरेंट, ई से एग्जिट, ई से इफरेंट। और याद रखो इसका जो डायमीटर है, इसका ज्यादा होता है, इसका कम होता है, तभी तो यहां पर प्रेशर बिल्ड होता है, तभी तो जितने भी अमीनो एसिड और जितनी भी अच्छी चीज है वो सब नीचे वुमेन्स कैप्सूल में जाती है, ठीक है। तो इफरेंट आर्ट्रियोल के बाद में ये जो है आगे को कुछ ऐसे जाके ब्रांचेस बना देता है, ऐसे करके बहुत सारी ब्रांचेस बनाता है, इसको हमने क्या बोला है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ध्यान से देखना बेटा, इसको क्या बोला है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बाद में ये जाएगा ऐसे वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, वासा रेक्टा के बाद में यहां से ये चला जाएगा रीनल वेन से। अब ध्यान रखो, थोड़े से पॉइंट्स हैं याद रखो। पहले हमने देखा एफरेंट आर्ट्रियोल, रीनल आर्टरी में एंटर हुआ ब्लड, देन एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट के बाद ग्लोमेरुलस, फिर इफरेंट आर्ट्रियोल, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट, इसके बाद में ये ब्रांचेस में जो आ रहा है इसको बोला पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज,
और हेनलीज लूप के साथ साथ बन रह जाके आगे को, तो इसको हमने क्या बोल दिया है, वासा रेक्टा। देखो यहां पर दो चीजें जो है बहुत कंफ्यूज करती है। मैंने आपको क्या बताया था कि हेनलीज लूप का जो शेप है वो कैसा होता है, हेयर पिन शेप, यही बताया था। हेनलीज लूप इसका शेप मैंने आपको बताया हेयर पिन शेप, और वासा रेक्टा का शेप अगर पूछेगा तो आप बोलोगे यू शेप, वासा रेक्टा यू शेप, ठीक है। याद करने का तरीका, एच फॉर हेनलीज लूप, एच फॉर हेयर पिन शेप, हेयर पिन, यूवी, यूवी से याद रख लो, बिल्कुल डाउट में नहीं आओगे कि कौन सा हेयर पिन शेप था कौन सा यू शेप था, ठीक है। एच फॉर हेयर पिन, एच फॉर हेनलीज, यूवी से वासा रेक्टा याद रख लोगे, ठीक है। वासा रेक्टा के बाद में कहां जाएगा, ये जाएगा रीनल वेन्यूल्स, रीनल वेन्यूल एंड देन रीनल वेन। देखो ये जो रेड वाली आर्टरी थी, ये रेड वाला जो पिंकिश बनाया मैंने, ये रीनल आर्टरी है, और जो बाहर आ रही है इसको रीनल वेन बोल दिया है, बस इतना आपको याद रखना था। चलो अब आप लोग मुझे बताओगे कि हमने पैसेज ऑफ ब्लड में क्या पढ़ा, पैसेज ऑफ ब्लड, पैसेज ऑफ ब्लड क्या देखा हमने, सबसे पहले आर्टरी जो है किडनी में जा रही है, तो किडनी के लिए हमने क्या यूज किया, रीनल, और उसमें आर्टरी आ रही है तो आप क्या बोलोगे उसे, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। देन आएगा एफरेंट, क्या आएगा पहले, एफरेंट, एफरेंट से एग्जिट याद रखना, एफरेंट आर्टरियोल, देन ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के बाद में आएगा एफरेंट। देखो ए अल्फाबेट पहले आता ना, तो उसको ऐसे भी याद कर सकते हो आप, एंड देन आएगा ये एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, देन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासारेक्टा, वासारेक्टा का शेप क्या बताया था अभी बताओ, वासारेक्टा का शेप क्या था, यू शेप, और हेनलीज लूप का हेयर पिन शेप। वासारेक्टा के बाद में रीनल वेन्यूल्स एंड देन रीनल वेन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तो बेटा हो गया है पैसेज ऑफ ब्लड, और मैंने आपको पैसेज ऑफ यूरिन भी बता दिया। इसको एक साथ नोटबुक पे लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपको इजिली समझ में भी आ जाएगा, इधर उधर आप मिक्स नहीं करोगे। चलो अब थोड़े से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके साथ में जो मैंने आपको बताया है। वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो। देखो इसमें हमने नॉर्मल जो डेटा पढ़ा था स्टार्टिंग में और प्रीवियस वीडियो में भी बेटा मैं बता चुकी हूँ, तो ये आपको आना चाहिए। मैंने क्या बोला था आपको, 2, 3, 5, 7, 10, 12 बताया था ना आपको। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 10 से 12 सेंटीमीटर दिख रहा था ना यहाँ पे, 120 से 170 ग्राम, या तो ग्राम में ही आ रहा है तो वेट होगा ऑब्वियसली, है ना। तो लेंथ हो गया ये इतना, वेट हो गया 120 से 170 ग्राम। सबसे कम मैंने बोला जो वो हो जाएगा आपका थिकनेस, ठीक, विड्थ हो जाएगी 5 to 7 सेंटीमीटर। इतना डेटा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फिर है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे, पाथवे फॉर पैसेज ऑफ यूरिन इन ह्यूमंस, यूरिन का पैसेज पूछा हुआ है। देखो डक्ट ऑफ वेलिनी के बाद में इन्होंने यूरेटर बोल दिया, और यूरेटर के बाद में माइनर कैलिक्स, ये तो यहीं पर गलत हो जाएगा। माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, और डक्ट ऑफ वेलिनी तो पहले आना चाहिए था ना, डक्ट ऑफ वेलिनी तो बेटा पहले आना चाहिए था। यहां पर देखो ये था डक्ट ऑफ वेलिनी, डक्ट ऑफ वेलिनी के बाद मैंने आपको माइनर कैलिक्स बताया था, फिर मेजर कैलिक्स था, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डक्ट ऑफ वेलिनी तो सबसे पहले आना चाहिए था, फिर आ जाएगा माइनर कैलिक्स, ठीक है भाई, फिर पेल्विस, पेल्विस भी ठीक है, एंड देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। और कॉर्टेक्स मेडुला, ये तो बिल्कुल गलत है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। कॉर्टेक्स मेडुला यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेटर, ये गलत हो गया ये भी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो माइनर कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा। अच्छा आपको दो नेफ्रॉन और पढ़ने पड़ेंगे, जैसे ये जो नेफ्रॉन हम बनाते हैं, अगर लूप ऑफ हेनले, जैसे इसका लूप ऑफ हेनले बहुत डीप चला गया है मेडुला में, अगर लूप ऑफ हेनले बहुत कम जाता है तो क्या होगा, यहां पर ये बोमेंस कैप्सूल होगा, ये आपका डीसीटी होगा, पीसीटी होगा, एंड देन
ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। तो आप फर्क क्या देख रहे हो, एक नेफ्रॉन ऐसा है जिसमें लूप ऑफ हेनले बहुत नीचे तक जा रहा है और एक लूप ऑफ हेनले ऐसा है जो ज्यादा डीप मेडुला में नहीं जा रहा। ये टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। क्या है नेफ्रॉन? कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी। बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, याद रखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं सबसे ज्यादा 80-85%, जबकि जक्स्टा मेडुलरी 15% ही होते हैं। इसके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका जो लूप ऑफ हेनले होता है किसका, कॉर्टिकल का, ये टू शॉट बहुत छोटा होता है, और जबकि इसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है यानी कि जक्स्टा मेडुलरी में, इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होगा। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखनी है। बाकी आपको ये फिर से मैं याद दिला रही हूँ बेटा, ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि कॉर्टिकल रीजन में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट आता है। तो आप बोलोगे माल्फीजियन, माल्फीजियन कॉर्प्यूसल, या फिर आप माल्फीजियन बॉडी भी बोल सकते हो। ठीक है, पीसीटी हो जाएगा, डीसीटी हो जाएगा। और अगर आपसे मैं बोलूं मेडुलरी रीजन में नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट आ रहा है, तो आप बोलोगे लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट। ये वीडियो को प्लीज एक बार देखना, लेकिन इससे पहले बेटा जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है उनको देखोगे तभी आपको प्रॉपर, अब जो है अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेफ्रॉन भी हो गया है और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी हो गया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।